हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा NPIU के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय की डीन डॉक्टर NN शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय को NPIU द्वारा तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस कड़ी में विश्वविद्यालय को हिमाचल प्रदेश में चल रहे संदम इंजीनियरिंग महाविद्यालय में गुणात्मक सुधार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अंतर्गत समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों तकनीकी शिक्षा में मूलभूत सुधार किए जाएंगे, जिसमें छात्रों अध्यापकों को विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण देकर तकनीकी शिक्षा को उद्योग तथा रोजगार से जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर NPIU के केंद्रीय परियोजना निदेशक प्रोफेसर PM खोड़के ने गुणात्मक शिक्षा को प्रभावी करने हेतु विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करवाई। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय NPIU द्वारा देश के 17 चयनित विश्वविद्यालयों में शामिल हो गया है। इस अवसर पर उन्होंने तकनीकी शिक्षा में छात्रों की रोजगार क्षमता एवं कौशल विकास एक सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। इस स्थिति में ऐसे कदम निस्संदेह कारगर साबित होंगे यदि विश्वविद्यालय महाविद्यालय अध्यापक छात्र तथा उद्योग मिलकर एक कड़ी में काम करेंगे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति एवं तकनीकी शिक्षा निदेशक राजेश्वर गोयल ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने कई अहम कदम उठाए हैं, जिसमें समेत पर आवश्यकता हेतु पाठ्यक्रमों में बदलाव, उद्योग तथा उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थानों के साथ साथ शैक्षणिक समझौते इत्यादि शामिल हैं। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मदन कुमार ने कार्यशाला में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों तथा NPIU से आए परियोजना निदेशक तथा बल्लभ किशोर का विशेष धन्यवाद किया। That we can change the education world if we work with full dedication as per the vision and mission. We are indebted to NPIU for considering us, for including us in the TechU3 project as a ETU, and I am sure that it will be a revolutionary step in the technical education. And I, as well as on the behalf of Majapahit Technical University, we assure you, sir, that we will not leave any stone unturned to make the dreams real. And the biggest challenge which we are facing in the technical education, that is of quality education, we will definitely face this with some fruitful results.